ही गाइस वेलकम टू बैक एक और नई वीडियो में। भाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग की तरफ से आने वाले अपकमिंग स्मार्टफोन जिसका नाम होगा सैमसंग गैलेक्सी A43 5G। भाई ये स्मार्टफोन की काफ़ी लीक्स निकल करके आ रही है कि इसे इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा, जो कि हमारे हाथ भी लग चुकी है। भाई इस बार इस फोन में हमें काफ़ी बेहतरीन फीचर देखने को मिलेगा और काफ़ी हाईलाइट्स फीचर भी दिया जाएगा, जो कि क्वाड कैमरा का सेटअप रहेगा और पावरफुल प्रोसेसर के साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर यूज किया जाएगा। तो भाई ये स्मार्टफोन को इंडिया के अंदर कब तक लॉन्च किया जाएगा और इंडिया प्राइस क्या होगी और साथ ही किस स्पेसिफिकेशन पर हमको देखने को मिलेगा, सब कुछ हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना देर के हम वीडियो करते स्टार्ट। भाई सबसे पहले हम इसके लुक और डिजाइन को लेकर के बात करेंगे तो काफी बढ़िया डिजाइन देखने को मिलेगा इस बार हमें सैमसंग के फोन में और एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड रहेगा। ट्रिपल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें दो सिम एक माइक्रो एसडी कार्ड अलग से यूज कर पाओगे। और हाँ गाइज ये स्मार्टफोन को दो वेरियंट में लॉन्च किया जाएगा। इसका जो पहला वेरियंट होगा वो 6GB की रैम और 128GB का स्टोरेज दिया जाएगा। दूसरा वेरियंट आपको 8GB की रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा। माइक्रो एसडी कार्ड का भी सपोर्ट दिया जाएगा। अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करेंगे यानी कि प्रोसेसर की, तो ये स्मार्टफोन में क्वालकॉम की तरफ से क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का चिपसेट यूज किया जाएगा। 7nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। अंततु स्कोर 3.25 लाख के आसपास है। तो भाई प्रोसेसर भी यहाँ पे आपको काफी दमदार पावरफुल देखने को मिलेगा जिसमें आप गेमिंग वगैरह भी काफी बढ़िया से कर सकते हो और हैवी टास्क मल्टीटास्क में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर इस फोन के हम डिस्प्ले की बात करेंगे तो 6.6 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन की एक सुपर AMOLED डिस्प्ले दी जाएगी जो कि 90Hz का रिफ्रेश रेट रहेगा। कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा और यह डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले होने वाली है। तो भाई बता दो आपको डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पे आपको काफी बेटर देखने को मिलेगी। अगर हम इस फोन के हाईलाइट्स फीचर की बात करें तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया जाएगा जो कि 108MP का प्राइमरी कैमरा होगा, 8MP का अल्ट्रा, 5MP का माइक्रो, जबकि 5MP का डेप्थ सेंसर कैमरा दिया जाएगा। और इसके बैक कैमरा से आप 4K 30fps वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी के लिए यह फोन में यूज किया जाएगा 32MP का फ्रंट कैमरा। तो भाई बता दूं कि यहाँ पे जो आपको कैमरा क्वालिटी मिलेगा काफी जबरदस्त का देखने को मिलेगा जिसमें आप काफी बेहतरीन क्वालिटी की फोटो भी क्लिक कर पाओगे। वहीं पर इस फोन में पावर बैकअप के लिए 25W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी दी जाएगी। चार्जिंग के लिए USB Type-C केबल रहेगा। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक दोनों प्रोवाइड किया जाएगा और 3.5mm का हेडफोन जैक भी रहेगा। बात करें अगर इस स्मार्टफोन की प्राइस की तो 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज की एक्सपेक्टेड प्राइस है 21,000 रुपया। हम बात करें अगर इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की तो यह स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 2023 के फर्स्ट मंथ में देखने को मिलेगा। उम्मीद है तब तक ये इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो भाई उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।